हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे शकरपारे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। इसमें हम डालेंगे एक कप मैदा, दो बड़ा चम्मच तेल, आप तेल की जगह पर घी भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। देखिए मुट्ठी बंध रहा है, इसका मतलब मूंग बिल्कुल ठीक है। अब इसे हम गूंध लेंगे। इसे हम ठंडा पानी से नहीं गूंधेंगे, इसे हम हल्का गर्म पानी से गूंधेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूंधेंगे, एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छी तरह से गूंध लिया है। अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं, इसे एक बार मसल लेंगे। अब इसे हम 3 भागों में तोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसमें से हम एक लोई लेंगे और इसे हम इस तरह से गोल कर लेंगे और इसे हम इस तरह से थोड़ा फैला देंगे। अब इसे हम इस तरह से कर लेंगे, फिर इसे हम इस तरह से गोल कर लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे, इसमें हम आटा नहीं लगाएंगे। इसे ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह का हम बेलेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे, आप इसे अपने मन पसंद अनुसार कट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। देखिए इस तरह से इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम सभी को बनाकर कट कर लेंगे। देखिए हमने सभी को कट कर लिया है। चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। गैस पर हमने तेल चढ़ा दिया है, तेल को हल्का गर्म होने देंगे, ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो अब तेल हल्का गर्म हो चुका है, अब इसमें सभी को डाल देंगे। अब गैस यहां पर धीमी कर देंगे और धीमी आंच पे इसे हम हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तुरंत इसे टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद इसे धीरे धीरे इसे इस तरह से चला देंगे। तो अब ये हल्का गोल्डन हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। इससे ज्यादा गोल्डन इसे हम नहीं करेंगे। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया है। चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है, तो एक कप चीनी भी लेंगे। जितना हम मैदा लेंगे उतना ही हम चीनी भी लेंगे। इसमें हम एक कप चीनी डाल देंगे और आधा कप पानी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। जितनी हम चीनी लेंगे उसका आधा हम पानी लेंगे। फूल आंच पे चीनी को अच्छी तरह से पिघलने देंगे और चीनी को हम लगातार चलाते रहेंगे।
तो अब चीनी पिघल चुकी है, तो अब गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे इसे लगातार चलाते हुए इसे हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। देखिए एक तार की चाशनी बन रही है। अब इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो अब गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे। अब इसे हम इसमें डाल देंगे, इसे चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। आप इलायची पाउडर चाशनी बनाते वक्त भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब गैस बंद कर देंगे। इसे हम 2-2 मिनट पर चलाते रहेंगे, जब तक शक्कर पारे के ऊपर चाशनी अच्छी तरह से कोटिंग ना हो जाए और चाशनी दाने के जैसा बन जाए। तो अब शक्कर पारे बनकर तैयार है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे आप एयर टाइट डब्बे में भर ले और 4 से 5 महीने इसे आराम से आप खा सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।